ये पहुँचे हैं हम यहाँ का तो तुच्छा मॉल जो है, और आप अच्छा है मतलब ठीक है, लेकिन इसको तुच्छा सा मॉल बोल रहे हैं। तो ये इनकी मेन्यू बुक है दस्तरखान वालों की। एनवायरनमेंट अच्छा है, ये आप देख सकते हैं पूरी बुक है। तो पटाखों की वजह से ही है। हाय फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज बड़े दिनों के बाद मैंने फिर से अपना व्लॉग स्टार्ट किया, क्योंकि मैं ना लखनऊ वापस आ चुकी हूँ और मुझे ट्रस्ट मी यहाँ पे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है व्लॉग शूट करने का, क्योंकि मैं सुबह जाती हूँ लैब 9:30 बजे और शाम को 10 बजे आती हूँ। कैन यू इमेजिन, 12 घंटे काम करती हूँ मैं और मेरी हालत ख़राब होती है, और वहाँ पर मैं कैसे व्लॉग बनाऊँ। तो आज है संडे और दिवाली चल रही है, आज है सबकी छुट्टी है, बस मैं नहीं गई। मेरे अपार्टमेंट में कोई नहीं है, मैं हूँ सिर्फ, मतलब मेरे पूरे हॉस्टल इसमें सिर्फ मैं ही हूँ, ठीक है। और मेस भी बंद है, तो मैं आपको बता दूँ अभी बच चुके हैं, आपको दिखाऊंगी बताऊँ क्या, अभी बच चुके हैं ढाई ऑलमोस्ट। तो अभी मैं जस्ट उठी हूँ, अभी थोड़ी देर पहले मैं उठी हूँ, और मैं ना ब्रेकफास्ट किया ना लंच किया है, तो कुछ मिला ही नहीं। मैंने सोचा, मैंने फ्रेंड को कॉल किया, चलो बाहर चलते हैं, तो उसके बाद मैं पहले फ्रेश हो जाऊंगी, उसके बाद मैं पहनूंगी, मैंने इस्त्री करके रखी, मैं आपको दिखाऊंगी बाहर बालकनी से क्या सुनसान है पूरा, सीढ़ी आ रही सी, दूर दूर तक कोई नहीं है, और मेरी रूममेट है वो कर गई है। सो ये है कूलर हमारा, क्योंकि विंटर स्टार्ट हो गया है यहाँ पे और उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। जल्दी से रेडी, फिर चलते हैं बाहर, आपको बताओ चलते हैं। और वैसे मेरे पास किचन में तो है, लेकिन खाने का सामान नहीं है, और मैं इतनी आलसी हूँ कि बना भी नहीं रही हूँ, तो बाहर चलेंगे, बाहर खाएंगे, लंच भी वहीं करना है और डिनर भी। सो लेट्स गो। तो गाइस फाइनली अभी बज चुके, आप देख सकते हैं मैंने कितना लेट कर दिया, 4:30, और मैं रेडी हो चुकी हूँ। ये शर्ट लगाई है मैंने और ये कार्गोज लगाया है, अभी जूता लगाऊंगी, देन हम चलेंगे। मैंने ना अभी तक ना ब्रेकफास्ट किया है ना लंच किया है, मतलब कुछ भी नहीं किया है। तो मैं करूंगी जल्दी से अपने बाल वगैरह, हिजाब वगैरह लगाऊंगी, उसके बाद हम चलेंगे कहीं बाहर। तो लेट्स गो। सो हम पहुंच चुके हैं ये सहारागंज मॉल। हमारे साथ एक स्कैम हुआ। स्कैम क्या, हम जब बाहर गए तो पता चला कि दिवाली की वजह से सारी जो शॉप्स है बंद है, और आप देख सकते हैं दिवाली की रौनक, इतने पटाखे जल रहे हैं और इतना पल्यूशन है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। बस ये बाहर से ही अच्छा लग रहा है, और अंदर से हमें पता चला कि इसमें जो शॉप्स है वो बंद है, तो मुझे शॉपिंग करनी थी और कुछ हो नहीं पाया। सो ये देख सकते हैं आप, तुच्छा सा मॉल है यहाँ का। तुच्छा मतलब अच्छा है, उतना भी बेकार नहीं है, ठीक है, उतना भी वाव नहीं है, लेकिन इसमें से कुछ कुछ दुकानें, एक आधी दुकानें खुली है, बाकी सारी बंद है। सो गाइस जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पूरा जो मॉल है वो बिल्कुल सुनसान है, लिटरली कोई नहीं है। तो यहाँ सिर्फ मैं हूँ और मेरे दोस्त है और कोई नहीं है। अब हम ऊपर जाएंगे, फूड कोर्ट देखेंगे, क्योंकि हमने किसी ने कुछ नहीं खाया, तो वहीं देखेंगे डिनर का क्या सीन रहेगा। और आप देख सकते हैं बाहर के लगाए हैप्पी दिवाली सबके लिए, और हमें ऊपर कुछ नहीं मिला क्योंकि फूड कोर्ट भी बंद था, सब बंद था। अभी हम किसी रेस्टोरेंट जाएंगे और वहाँ पे कुछ डिनर का इंतज़ाम करेंगे। आप देख सकते हैं ये क्या बनाया हुआ है इन्होंने, सब लोग दिवाली में ही लगे। तो ये हम जा रहे हैं अब लोकल मार्केट, अभी देखेंगे कहाँ जाएंगे। यहाँ पे हलाल ही है ऑलमोस्ट सब, तो हम दस्तरखान जाएंगे, तो यहाँ आप देख सकते हैं जैसे शादी नहीं होती है वैसा ही सीन है यहाँ पे, वैसा ही माहौल है, क्योंकि सब लाइट्स वगैरह लगाई है सब ने, क्योंकि दिवाली है। तो और फाइनली इतनी कोशिश और इतनी मुद्दतों के बाद हम आए हैं यहाँ, दस्तरखान नाम है इस रेस्टोरेंट का। ये आप मेन्यू बुक देखिए, पूरी बुक दी हुई है इन्होंने। तो अभी हम नॉन वेज ऑर्डर करेंगे, क्योंकि नॉन वेज हमें कभी कभी मिलता है। मैं आपको दिखा दूँ, ये मैंने लिया है नया बैग, ये मैंने नहीं अमेजोन से लिया था। सो हम जल्दी से करेंगे कुछ नॉन वेज में ऑर्डर, कुछ मटन का भी करेंगे और चिकन का भी करेंगे, कबाब्स आई गेस ट्राई करते हैं, तो लेट्स सी। और जो ही हम बाहर निकले तो बाहर देखा हमने कि लोग सड़क पे पटाखे जला रहे हैं, हर जगह पे जला रहे हैं, आप देख सकते हैं, और पटाखों की वजह से इतना पोल्यूशन है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लिटरली कुछ दिखाई नहीं दे रहा, जैसे लग रहा है कि लेयर जैसी बनी हुई है। ये पता नहीं क्या हरकतें कर रहे हैं, ऐसे पता नहीं क्या कर रहे हैं, और हर जगह पर पटाखे फोड़ रहे। सो अभी हमारा डिनर यहाँ दस्तरखान में हो गया, और चलते हैं हम अब
घर क्योंकि लेट हो। सो गाइज आई एम फाइनली होम और हमारा पोपट हो गया है। ये पहले बैग देखिए आप, मैं आपको दिखाऊंगी कि ये मैंने लिया है अमेजन से। अच्छा है ना, मुझे तो अच्छा लगा। सो मैं अभी आ चुकी हूँ वापस और मुझे इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है, इतनी ज़्यादा, क्योंकि मैंने बस ये शर्ट पहनी थी और हमारा पोपट हो गया क्योंकि हमें जहाँ जाना था वहाँ पर वो बंद था और शॉपिंग भी करनी थी वो भी बंद था क्योंकि दिवाली के चक्कर में इतना पॉल्यूशन हो रखा था। सो अब मैं पहुँची हूँ घर, आज का ब्लॉग करते हैं यही पहन। उम्मीद है आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। टिल देन यू नो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक गुड केयर फॉर सेल्फ। टेक केयर, बाय बाय, फी अमानुल्लाह।